असल दानिश सईद आपके साथ एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है आपने छन्नो अगर आपको याद हो तो रेडियो पर अपने चैनल पे यू ऑफ द पीपल हु सपोर्टेड इट इन द बिगिनिंग लॉन्च एंड अपने मॉर्निंग शो में आपके गपशप भी हुई आपके साथ एंड आई जस्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्पेशली कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेसफुल सिक्स ईयर्स ऑन सुनो एफ तो जो लोग सुन रहे हैं दानिश के लिए बहुत सी प्यार, दुआएं और तालियां क्या बात है जी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए आपके लिए भी बहुत सी दुआएं प्यार और तालियां तो आप इतनी सुनते हैं कि उन तालियों का तो हर कोई ख्वाहिशमंद रहता है कि वो भी ये तालियां सुन सके सो थैंक यू सो मच अली जफर फॉर सेंडिंग दिस स्वीट मैसेज फॉर माई सेल्फ़ एंड माई चैनल मुझे याद है अच्छी तरह के जब छन्नों गाना आया था और एल्बम आई थी तो अली के साथ पहली मुलाकात हुई थी अली जफ़र के साथ और वो मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही थी और उसके बाद अली जफ़र का ये छन्नों गाना लॉन्च हुआ और जब चला रेडियो पर तो मुझे ये आज़ाज़ रहा कि रेडियो पर इस गाने को लॉन्च करने में मैं शामिल था तो अली के साथ बड़ी अच्छी एक गपशप हो गई थी और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इनके प्रोजेक्ट्स आते गए और मुलाकातें भी होती रहीं और साथ ही फिर तेरे बिन लादिन जो इन्होंने बनाई थी आ, उसकी भी ऑफिशियल रेडियो पार्टनरशिप के अंदर मैं इनके साथ शामिल था और बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ हमेशा ही बहुत प्यार का रिश्ता रहा है तो अली जफ़र की खास बात यह है कि एक मरतबा मैं लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो ये भी उस जहाज़ के अंदर मौजूद थे तो हमारी जो आ, जो आ, हमारा नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स है उसकी जो आ, प्रिंसिपल हैं वो भी उसके अंदर हाशमी साहिबा मौजूद थी और जैसे ही अली ने देखा पीछे मुड़कर के उनकी जो टीचर हैं वो पीछे आ रही हैं तो उन्होंने जाकर फटाफट फट भाग कर उनका बैग पकड़ लिया और उन्होंने कहा नहीं 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 बैग आप नहीं उठाएंगी बैग आप नहीं उठाएंगी तो ये वो इकदार होते हैं जो हमारे अंदर हमारी फैमिली से आते हैं और इतने बड़े सुपर अगर इस तरह के का मुजहरा करें और पब्लिक के अंदर करें तो ये वाकई काबिल तारीफ बात है